यूपी में एक वायरल वीडियो की वजह से एक आईएएस अधिकारी घेरे में है। आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तखारुद्दीन पर अपने सरकारी आवास में बैठकर धर्म के प्रचार का आरोप है। कानपुर पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो वायरल वीडियो जिसमें अधिकारी धर्म के प्रचार प्रसार का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति एक सीनियर आईएएस अधिकारी है और ये कोई मदरसा नहीं बल्कि एक आईएएस अधिकारी का सरकारी बंगला है। एक ऐसा अधिकारी जो यूपी सरकार में भी बहुत बड़े पद पर काबिज है, वो मौलानाओं की तरह भाषण देते हैं। जरा सोचिए, ये सब कुछ एक सीनियर आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तखारुद्दीन कह रहे हैं। मोहम्मद इफ्तखारुद्दीन 1985 बैच के आईएएस हैं। अभी यूपीएसआरटीसी यानी परिवहन विभाग के चेयरमैन हैं। वीडियो कानपुर का है लेकिन अधिकारी के फिलहाल लखनऊ में पोस्टिंग है। लेकिन एक आईएएस न सिर्फ यहाँ किसी मौलाना की तरह व्यवहार करता है बल्कि इनकी मौजूदगी में दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम भी किया जा रहा है। इसी बयान के बाद आरोप है कि आईएएस इफ्तखारुद्दीन की तरफ हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए संवाददाता संजय त्रिपाठी अब सीधे आईएएस अधिकारी इफ्तखारुद्दीन के घर पहुंच गए। सबसे पहले ये वीडियो दिखाया। ये कहां का है? ये बता रहे कानपुर का है। जब आप कमिश्नर से ये बता रहे हाल देखें। अच्छा, ये कहां है वीडियो है सर? ये 4-5-6 वीडियो इस तरह के बारे में। देखिए, अब ऐसा है कि जुमे वगैरह के लिए तो आदमी जाता ही है ना, ग्रुप वगैरह में है ना। ऐसा कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। काफी नानुकू करने के बाद बार बार पूछने पर आखिरकार आईएएस इफ्तखारुद्दीन ने कबूल कर लिया कि ये वीडियो उन्हीं का है। अच्छा, ये हाँ, ये आप ही ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? नहीं मतलब हम कोई अच्छी बात बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वीडियो तो आईएएस इफ्तखारुद्दीन ने मान लिया लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि वीडियो में वो कुछ गलत कह रहे हैं। इसमें गलत क्यों नहीं है आप? नहीं नहीं, मैं इसलिए समझाना चाहता हूं, ये तो आप, ये हो सकता है हम पूरा देख नहीं पा रहे हैं लेकिन हम कुछ भी। इतने बड़े पद के अधिकारी के इस वीडियो पर यूपी की सियासत गर्म हो सकती है। सरकार ने भी ये जानकारी हासिल कर कार्रवाई का भरोसा जताया है। क्या सर, इसके मामले की जांच की जाएगी? में नहीं है लेकिन अगर ऐसा कुछ, इस मामले की जांच की जाएगी, गंभीरता से इसको लिया जाएगा। जो आप कह रहे हैं बड़ी आश्चर्यजनक बात है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होता है वो संविधान से बंधा हुआ होता है। उसका पूरा कमिटमेंट जो भी है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ होता है। कोई भी अधिकारी, आप सरकारी बंगला हो या सरकारी बंगला ना भी हो, कहीं पर भी वो इस तरीके की सरकारी सेवा में रहते हुए कोई अधिकारी इस तरीके का काम नहीं कर सकता और उसको नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कोई अधिकारी इस तरह सार्वजनिक रूप से धर्म का प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि उसने तो संविधान को सर्वोपरि माना है। और इस मसले पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, एक आईएएस अधिकारी जो यूपीएससी जैसी परीक्षा पास करके आते हैं, पूरा ज्ञान है उनको कि संविधान के तहत एक अधिकारी के पास किस तरह की आजादी है, किस तरह से वो अपने काम को कर सकता है, उसके बाद ऐसा वीडियो सामने आने पर बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं।
बिल्कुल आदर्श, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने एबीपी न्यूज़ की इस खास खबर को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जल्द ही जांच देने की आदेश देने की बात कही गई। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो चंद्रा अपार्टमेंट है। आपको सबसे पहले मैं उस आवास की तस्वीर दिखाऊंगा जहां मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन जो 1985 बैच के IAS हैं और अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, UPSRTC के चेयरमैन हैं, वो रहते हैं। ये बंगला इनका नहीं है, ये फ्लैट इनका नहीं है, ये इनकी बहन का फ्लैट है जहाँ ये लंबे समय से रहते हैं। सरकारी कोठी बहुत आराम से मिलती है, बड़ी शानदार कोठी मिलती है, लेकिन इफ्तिखारुद्दीन ने उसको कभी नहीं लिया। साथ ही साथ जो विभागीय फाइलें हैं, क्योंकि अक्सर जो हमें वहाँ के लोगों ने बताया कि ये अपने दफ्तर नहीं जाते हैं, जो विभागीय फाइलें हैं वो इसी आवास पर आती हैं, यहीं से साइन होकर चली जाती हैं। बहुत रहस्यमयी जीवन जीते हैं, जो उनके बैच के IAS हैं, सीनियर जूनियर हैं, उनसे भी इनका बहुत लेना देना नहीं है। यहाँ जो गेट पर गार्ड मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। भैया नाम क्या है आपका? हमारा नाम अरिमर्दन सिंह है। अच्छा जी सर, ये फकरुद्दीन साहब हैं घर पर? नहीं सर, अभी हमको 2 दिन से तो नहीं दिखाई दिए हैं जी। आया मिलने उलने उनसे कुछ लोग आए? नहीं, कुछ जो स्टाफ है उनका वो लोग आते जाते हैं अपना। जैसे अभी 2 दिन से तो कोई नहीं आ जा रहा क्योंकि सर ही नहीं है यहाँ पे, तो 2 दिन से तो नहीं देखे। अच्छा, ये किसका घर, किसका फ्लैट, किसका है? ये बताते तो ये सुनने में आया कि इनकी बहन का घर है, पर्सनल इनका नहीं है। अच्छा, और कौन रहता है यहाँ? अब ये विशेष जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अभी नया ड्यूटी ज्वाइन किया हूँ, तो ये जानकारी नहीं है। मिलने जुलने वाले तो आते होंगे इस घर पर? नहीं, स्टाफ के ही लोग आते हैं, जो पेपर वगैरह लाते हैं वही लोग आते हैं। अब क्या काम करना है वो उनका विभाग का काम है, उससे हमें कोई दिलचस्पी। गार्ड भी पुष्टि कर रहे हैं स्टाफ के लोग आते हैं, क्योंकि UPSRTC का जो दफ्तर है चेयरमैन का, वहाँ यदा कदा इफ्तिखारुद्दीन जाते हैं, तो जो उनके विभागीय कामकाज है उसकी सारी फाइलें घर से ही साइन होकर जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है आदर्श, और इस पूरे मामले पर जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार जांच के आदेश देगी, क्योंकि मामला वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा हुआ है। फिलहाल कानपुर के पुलिस कमिश्नर जो वायरल वीडियो है उनकी जांच के लिए एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को लगाया है, और देखते हैं अब जांच का नतीजा क्या निकल के आता है। आदर्श संजय, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, लगातार अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। तो उत्तर प्रदेश से ये मामला है जहां पर एक अधिकारी इस तरह की बातें कर रहे हैं, वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद अब सवालिया निशान लग रहे हैं और जांच की बात यूपी सरकार की तरफ से की जा रही है। ABP News आपको रखे आगे।